इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मुशाहिदा कार के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। बड़े काम की बात है, सुन ले जरा, पहचान बना। सबको एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गए? याद रखें, अगर आपके पास एक्रेडिटेशन कार्ड है तो ही आप पोलिंग स्टेशन पर मुशाहिदा कारी कर सकते हैं, और यकीनी बनाएं कि हर वक्त आपका कार्ड नुमाया तौर पर गले में पहना हो। आप टोपी जरूर पहने, लेकिन याद रखें कि आपके किसी भी अमल से आपकी किसी सियासी जमात या उम्मीदवार से हमदर्दी या हिमायत जाहिर ना हो रही हो। सॉरी मैडम। इसके अलावा इंतखाबी मुशाहिदा कार के ज़ाब्ते इखलाक कौन कौन से हैं, चले मजीद बताती हूँ। बड़े काम की बात है, सुन ले जरा, पहचान बना। देखिए ये औरतों ने किस कदर भारी लिबास पहने हुए हैं। इंतखाबी मुशाहिदा कारों के लिए मकामी रवायत और इखलाकी दार का एहतराम करना जरूरी है। हमें किसी पर भी गैर जिम्मेदाराना तबसरा से गुरेज करना चाहिए। ओह सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। खुशामदीद, हम तवक्को करते हैं कि आप सब इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के कानून का एहतराम करेंगे, इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अहलकारों के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे और जारी करदा हिदायत पर अमल करेंगे। बेटा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इनसे बोलो मेरा वोट कास्ट करा दें। पोलिंग का अमला हमारी बात ही नहीं सुन रहा। ये लोग हमारी बातें, बिल्कुल हमारी भी बातें। मैं पोलिंग ऑफिसर से बात करती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। रुको, बराए मेहरबानी आप लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करें, हमें वोटिंग के अमल में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। तुम भूल गई क्या कि हमें बिना किसी मुदाखलत के इंतखाबी अमल का मुशाहिदा करना है। ओहो, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं अपने सवालनामा में तमाम मुशाहिदात नोट करती जाऊंगी। काश चाय मिल जाती, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप टेंशन ना लें, जीम पार्टी के पोलिंग एजेंट्स मेरे जानने वाले हैं, मैं इनसे चाय का कहता हूँ। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। इंतखाबी मुशाहिदा कारों को गैर जानदार रहना है, और हम किसी पार्टी की तरफ से ना कोई फायदा ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, और ना ही किसी ऐसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बन सकते हैं जो किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की तरफदारी को जाहिर करे। आप पूरा दिन यहाँ पर मौजूद रही हैं, हमें अपने मुशाहिदे से बताएं कैसा रहा पोलिंग का अमल। क्या आप भूल गए कि ज़ाब्ते इख़लाक के मुताबिक आप मीडिया से बात नहीं कर सकते? ओह माफ कीजिएगा, मैं जज्बाती हो गया था और भूल गया था कि मैं ये मालूमात अपने इदारे के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, और हमारा इदारा मुशाहिदात और सिफारिशात सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। ज़ाब्ते अख़लाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी तंजीम या तंजीम के इनफरादी इंतखाबी मुशाहिदा कार की मंजूरी वापस लेने का हक महफूज रखता है। मजीद तफसीलात के लिए ज़ाब्ते अख़लाक इलेक्शन कमीशन वेबसाइट www.ecp.gov.pk से डाउनलोड करें। पहचान बना।